दोस्तों आपको पता होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसी के तहत यहाँ पर एक नई स्कीम निकल कर आई है जो कि है यहाँ पर संचार क्रांति योजना। और इस योजना के तहत 45 लाख मोबाइल फ्री में बांटे जा रहे हैं, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिले, तो उसी के कारण ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो आज के इस वीडियो में आप यही बताने वाला हूँ कि इस स्कीम के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किन किन लोगों को यहाँ पर ये वाला मोबाइल मिलने वाला, और कौन सा मोबाइल मिलेगा, कौन सा प्लान मिलेगा, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों संचार क्रांति योजना सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध है और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 1467 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कुल यहाँ पर जो है 45 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। पहले चरण में यहाँ पर जो गांव की महिलाएं होंगी उन 5 लाख महिलाओं को यहाँ पर जो है माइक्रोमैक्स का एक स्मार्टफोन दिया जाएगा और ये 5 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। साथ में यहाँ पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है 5 लाख स्मार्टफोन फिलहाल जो है बांटे जा रहे हैं। जो यहाँ पर कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए माइक्रोमैक्स का भारत फोर स्मार्टफोन दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2 GB का रैम मिलता है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, 8 MP का बैक कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और 5 इंच की यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है। और ये एक 4G वोल्टी वाला स्मार्टफोन होने वाला है, जबकि जो और लोगों को स्मार्टफोन दिया जाएगा वो यहाँ पर माइक्रोमैक्स का भारत 2+ स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें आपको 1 GB का रैम मिलेगा, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, 5 MP का बैक कैमरा और 2 MP का यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिलेगा। 4 इंच की इसमें आपको स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर दोनों ही जो स्मार्टफोन है उनमें जो फर्स्ट सिम स्लॉट होने वाला है उसमें आप सिर्फ जियो का सिम ही लगा पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी जियो के साथ में यहाँ पर टाई अप किया है और आपको प्रति महीना जो है 30 रुपये का जो है चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा केवल, उसमें रोजाना आपको 1 GB डेटा मिलेगा। बात की जाए कि कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा जो कि आपके कॉलेज या आपकी ग्राम पंचायत में आपको मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ज़्यादा जानकारी भी वहां पर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अभी हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।